कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही सिग्नेचर सिटी योजना में मजदूरों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सिग्नेचर सिटी में मजदूरी पर काम करने वाले पश्चिम बंगाल का रहने वाला शहाबुद्दीन का ट्रॉली से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई है। इससे पहले तमिलनाडु के एक इंजीनियर और बांदा के एक मजदूर की मौत सिग्नेचर सिटी में काम करते वक्त ही हो चुकी है। सिग्नेचर सिटी में हो रहे हादसे की रैमकी बिल्डर दबाने में लगा हुआ है। इधर कानपुर विकास प्राधिकरण ने सिग्नेचर सिटी बनाने का ठेका रैमकी नामक एक कंपनी को दिया हुआ है। सिग्नेचर सिटी में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर काम करवाया जा रहा है और उसके चलते मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। सिग्नेचर सिटी में हो रही मौतों के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण के अभियंताओं की लापरवाही भी शामिल है। सिग्नेचर सिटी में हो रही मौतों पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने सफाई देते हुए जांच की बात कही है। अभी तक वहां पर तीन जो है, एक इंजीनियर उनका और दो लेबर, तीन लोग हो चुके हैं। प्रथम दृष्टया जो देखा गया तो ऐसी कोई वहाँ पे चोटी नहीं थी, लेकिन एक तरीके की दुर्घटना है। फिर भी उनसे कहा जाएगा कि आगे से ध्यान रखें कि इस तरीके की चीज़ें ना हो।